मैं ब्यावर अपना दर्द ये हाल बता रहा हूँ, औरों से नहीं अपनों से सता रहा हूँ। कर्नल डिक्शन ने मुझे अपना नाम दिया, पर जिम्मेदारों ने यहाँ कितना काम किया। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, विकास की उम्मीद टूटे जा रही है। मेरे सीने पर बेतरतीब पार्किंग अब शूल सी चुभती है, राजनीति की हर लोटी मुझ पर सिकती है। मेरी आंखों को देखिए, हर तरफ गंदगी की तस्वीर दिखती है। रहस्यमय ही धमाके मेरे कानों में गूंजते हैं, मेरे शहर के वाशिंदे मुझसे सवाल पूछते हैं। अतिक्रमण का बोझ उठाकर थक गया हूँ, आश्वासन की लोरी सुनकर गहरी नींद सो गया हूँ। कहीं बार कलम बनकर मेरी जुबा बोलती है, मेरी नींद उठकर खून खोलती है, पर यहाँ किसके कानों में जू रंगती है। मेरा परकोटा तोड़कर मुझे अपाहिज कर दिया, हर मुख्य कार्यालय को खारिज कर दिया। अब ट्रैफिक मेरे कानों में रोज चिल्लाता है, सड़क पानी बिजली का दुख अब सहा नहीं जाता है। मेरी चौपाटी होकर भी गुमनाम है, मेरा अतीत सुभाष उद्यान भी वीरान है। इतने सालों में पर्यटन के लिए नहीं कोई स्थान है, लगता है इन जिम्मेदारों को बहुत काम है। चारों दरवाजों के भीतर सिमटा जब मैं छोटा था, मेरी कपड़ों की मीलों का काम देश में चलता मोटा था। मैं ही पहली परिषद का राज हूँ, सबसे बड़े उपखंड का ताज हूँ, राजस्व में भी सबसे ज्यादा आज हूँ, अपने लोगों के सदैव साथ हूँ, नेताओं के भी सबसे पास हूँ। बताओ फिर भी मैं आपका क्यों नहीं खास हूँ। राजनीति ने मुझे हर बार धोखा दिया, मैंने इनको कितनी बार मौका दिया, कितनों ने मुझे संभाला, कितनों ने मुझे बिगाड़ा। मैंने हर गलती पर इन्हें रोका, पर अपनों ने ही मेरी पीठ पर छुरा घोपा। मैं अब मेरे जयकारों के स्वर मांगता हूँ, मैं वंचितों के हक के घर मांगता हूँ, अतिक्रमण की जंजीरों से आजादी चाहता हूँ, परिषद में सबकी सुनवाई हो ये सुनना चाहता हूँ, जवाबी हमलों का विष बहुत पिया मैंने, अब खाई कसम पूरी करना चाहता हूँ। बताओ जीने की उम्मीद करूं या नहीं, जीने का हथियार लिए लड़ूं या नहीं, मुझे बचाना अब तुम्हारी इच्छा है, असल में यही तुम्हारी परीक्षा है। कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट, जे एस के न्यूज़।